लॉस सैंटोस में साइकिलिंग का भाई अपना एक अलग ही मज़ा है, एंड साइकिलिंग स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि देखो एक तरफ तो ये उतने कुछ खास खूबसूरत है नहीं ये पहाड़, और दूसरी तरफ ये प्यारी सी लेक है अपने घर के पीछे वाली, एंड इधर साइकिलिंग करके मज़ा ही आ जाता है। वो क्या चीज़ है यार सामने की तरफ ब्लैक कलर की, लग रहा है कोई फिश आ गई है इस लेक में बड़ी सी, वो भी वो यस वो फिश ही है भाई, लेकिन ये साइड में क्या कर रही है फिश, फिश है कुछ और है, वो फिश जैसा ही लग रहा है, बड़ी सी वेल, नहीं वेल नहीं है वो कुछ और है, क्या है अबे ये तो कोई गाड़ी है, ये कैसी गाड़ी है, इसे बाहर निकालते हैं जरा, धक्का देते हैं भाई, ये तो ओ तेरी हैवी सी गाड़ी लग रही है तो कोई, यस गाड़ी तो बढ़िया है यार, लेट्स पुश इट, एक सेकेंड पहले तो पानी के अंदर चलते हैं। भाई ये यहाँ पर क्या कर रही है, किसकी गाड़ी है ये, खैर जिसकी भी हो, जिसको ज़रूरत नहीं होगी उसने पानी में फेंक दी, अब मैं इसे लेकर घर जाऊंगा एंड मैजिकल पेंटिंग पैड्स रिपेयर करूंगा, पहले इसे बाहर तो निकालूं मैं। चलो भाई गाड़ी तो पानी से बाहर निकल गई, बट इसको घर तक कैसे लेकर जाएं, प्रॉब्लम तो यही है, किसी टो ट्रक से खींच के टो ट्रक लाता हूँ, रुक जाओ कहीं से पकड़ के, टो ट्रक पे भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, बट ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, रुक जाओ गाइस फटाफट से मैं क्विकली जाता हूँ एंड एक टो ट्रक उठा के लाता हूँ, देखते हैं उससे हम लोग इसे अपने घर ले जा सकते हैं या फिर नहीं। ओके यहाँ से लेफ्ट एंड आगे से राइट, टो ट्रक मिल गया भाई, बढ़िया सा मिल गया एकदम टो ट्रक, यहाँ से नीचे लेकर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं काम करता हूँ टो ट्रक को यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि नीचे अगर मैं लेके चला गया तो फिर इसे वापस बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, उसमें फिर दिमाग ख़राब होगा, टो ट्रक यहीं पे रखता हूँ, गाड़ी को यहाँ पर किसी तरीके से धक्का दे के लाता हूँ एंड देन टो ट्रक से अटैच करेंगे उसे। चलो ओके अटैच कर दिया, अबे नहीं डी अटैच हो गया, रुको हियर वी गो, ओके हल्लो भाई हो गया अटैच, टो ट्रक को अब हल्का सा घुमाते हैं एंड इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं इस अजीब ओ गरीब गाड़ी को, कम ऑन टो ट्रक भाई लेट्स गो। ओके गाड़ी पूरी पलट गई भाई, लेकिन बाहर तो खींच लिया हम लोगों ने, अब फिर से अटैच करते हैं, अटैच करने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है ना भाई, पूरी अलग ही हटके गाड़ी है, मुझे तो लग रहा है ये कुछ बूस्टर कार है, ये देखो पीछे बूस्ट भी है, खैर वो तो रिपेयर होने के बाद ही पता चलेगा, बट इसका कलर क्या रखना है मेरे को जल्द से जल्द ये भी सोचना पड़ेगा, ये फिलहाल जल भुन गई है तो अभी पता नहीं चल रहा है इसका क्या ओरिजिनल कलर था, तो इसका मतलब अब हमारे ऊपर ही है, जो कलर चाहे हम लोग वो कलर दे सकते हैं इसे, मैं तो सोच रहा हूँ भाई ग्रीन एंड क्रोम फिनिश, क्या लगता है तुम्हें, बढ़िया लगेगा भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई सही लगेगा कलर। चलो क्विकली इसे घर की तरफ लेकर चलते हैं, ये टो ट्रक कितने स्लो होते हैं यार, काफ़ी टाइम लगता है इनसे किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने में। ओके बट स्टिल मैंने शॉर्टकट ले लिया है यहाँ से, एंड यहाँ से राइट, नहीं यहाँ से नहीं आगे से राइट, बूस्टर भी है बताओ टो ट्रक के अंदर, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है टो ट्रक के अंदर बूस्टर नहीं होता है लेकिन इसके अंदर है, एंड यहाँ से इधर आ गए, ओ नो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये, एंड इधर से इधर सिंपली बस चॉप हो रहा, मैजिकल पेंटिंग हो रहा, और कल भैया क्या चो करके ला रहा है ये, पता चल जाएगा चॉप थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तू बस चिल कर। ओके बूस्टर का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली छत पे चलते हैं, लेट्स गो गाइस कम ऑन, नहीं ओ ओ वाओ मैं तो छत पे नहीं गया बट वो गाड़ी ज़रूर छत पे चली गई, अरे वाह भाई क्या सीन हुआ ये, सीरियसली मैं गाड़ी पहुंच गए भाई छत पे लेकिन टो ट्रक नहीं पहुंच पाए, एंड यही तो चाहिए था हमें, मज़ा आ गया। चलो अब इस टो ट्रक को यहीं पर छोड़ देते हैं, अब चलते हैं उस गाड़ी को फुल्ली रिपेयर करते हैं, बैक कल भैया कहाँ से उठा के लाया तू इसे, बगल वाले लेक में भाई ये गाड़ी पड़ी थी, पहले तो मेरे को लगा कि कोई शार्क वार्क वेल वगैरह है कोई बड़ी सी फिश है, बट ये तो एक गाड़ी निकली, हट भाई चॉप मैं इसको पूरा रिपेयर करने वाला हूँ, मैं रिपेयर करके कैसा बनाया गया इसे, इसको रिपेयर करके अल्टीमेट बूस्टर कार बनाऊंगा ग्रीन एंड क्रोम कलर की, एड को गाइस रिपेयर करते हैं इसे। तो ये अब हम लोग आ चुके हैं अपने मैजिकल पेंटिंग पैड की स्क्रीन पर एंड लेट्स गो क्विकली ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो पहले तो गाड़ी में फुली ड्रॉ कर देता हूँ एंड देन मैजिकल पेंटिंग पैड से कह दूंगा भाई कि ये रिपेयर कर दे, एंड देन ये गाड़ी फुली रिपेयर हो जाएगी एंड देन हम लोग इसको बूस्टर कार में थोड़ा अपग्रेड वपग्रेड करेंगे, ठीक है भाई। तो गाड़ी का कुछ ऐसा सा लुक है एंड आगे से कुछ ऐसा सा लुक है भाई गाड़ी का, एंड मैंने दरवाजे खोल के देखा भाई इस गाड़ी के काफ़ी एपिक तरीके से खुल रहे हैं यार, तुम लोग खुद देखना भी मैजिकल पेंटिंग पैड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैसे दरवाजे खुलते हैं इसके ऐसे की तरफ भाई, कुछ इस तरीके से खुलते हैं दरवाजे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ऐसे खुल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा, इधर से कुछ ऐसे, एंड इस गाड़ी का लुक नीचे की तरफ से देखा जाए तो इधर कुछ खतरनाक सा डिज़ाइन बना हुआ है, वो डिज़ाइन मैं भी बना देता हूँ
एंड फिर इधर पाइप्स वगैरह लगे पड़े हैं, पता नहीं कैसे पाइप्स है बट मैंने भी लगा दिए हैं। एंड अभी ज़रा व्हील बना देते हैं गाड़ी का, व्हील कुछ इस तरीके से हो जाओ भाई, गाड़ी क्या मस्त लग रही है। वैसे किसी को अभी दिखाओ तो कोई कह नहीं सकता कि ये कोई गाड़ी है। एंड ऐसे व्हील्स, अंदर भी कुछ कलाकारी कर देते हैं भाई, अलग सी गाड़ी लगेगी। एंड अब कलरिंग करना शुरू करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ वहाँ ग्रीन करते हैं। तो ग्रीन करने वाला हूँ भाई अब, हाँ ठीक है चलो ये वाला ग्रीन, यहाँ पे एंड बस यहीं पे, एंड थोड़ा सा हाँ ये इसके अंदर भी, दरवाजे के अंदर। एंड जहाँ क्रोम करना है वहाँ पे लाइट ग्रे करते हैं, तो ये यहाँ पे इधर भी एंड थोड़ा सा इधर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। व्हील्स के अंदर ऑब्वियसली ब्लैक रहने वाला है, एंड व्हील के अंदर भी डार्क ग्रे रहेगा। ये जो छोटे छोटे गोले हैं इनके अंदर लाइट ग्रे, बहुत ही बढ़िया भाई। गाड़ी तो अभी से ही काफ़ी एपिक, काफ़ी कूल दिख रही है। यहाँ पर लिख देते हैं रिपेयर, ताकि मैजिकल पेंटिंग पैड समझ जाए कि आखिरकार करना क्या है। अब बनाते हैं पीछे की तरफ वो अल्टीमेट सा तगड़ा सा, वो जो बूस्टर दिख रहा है वो, तो वो बूस्टर कुछ ऐसा है देखने में भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है वो बूस्टर। इसको भी थोड़ा ऐसा क्रोम सा टच दे देते हैं, डार्क ग्रे देते हैं हाँ, एंड थोड़ा सा बूस्टर वाला भी फील आना चाहिए। तो इसीलिए इस तरीके से फ्यूम्स निकाल देते हैं ताकि बूस्टर वाला फील आए। लेट्स गो, नाइस लुकिंग, बढ़िया भाई। और फटाफट से इस एपिक सी गाड़ी को लेकर आते हैं रियल लाइफ में। लेट्स गो, 3, 2, 1। तो अभी टाइम है गाड़ी को देखने का, एंड गाड़ी तुम लोग देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रही है। एंड पीछे का वो बूस्टर भी थोड़ा सा ऐसा डार्क क्रोम किया है मैंने। एंड ये जहाँ जहाँ क्रोम है भाई, वो कितना पार्ट ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ये देखो, मैंने कहा नहीं था भाई, गाड़ी के जो दरवाजे हैं उसके खुलने का स्टाइल ही अलग है। ये देखो, एंड ये दरवाज़ा बंद अपने आप ही हो जाएगा। अरे हो जा भाई, पूरा क्यों नहीं बंद हो रहा है ये? ओके हो गया बंद। ओ इसके ऊपर मशीन गन ऑटोमेटिकली लगी आ गई। अरे वाह, इसका बूस्टर देखते हैं गाइस। एक सेकेंड, लेट्स यूज द बूस्टर। हो नहीं भाई, एक सेकेंड, बूस्टर यूज करते ही भाई गाड़ी उड़ गई। एंड नीचे पूरा क्रोम है इस गाड़ी के। ओ वाओ, ये नीचे का पार्ट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, गाड़ी के नीचे तो पूरा क्रोम ही है। खैर इसकी गन का यूज़ करते हैं ज़रा, गन कितनी पावरफुल है। हेलो, पता नहीं चलती क्यों नहीं है ये गन। हेलो भाई, पता नहीं यार ये गन कैसे चलेगी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये ऐसी शो पीस है क्या, चल क्यों नहीं रही आखिरकार ये? आई हैव नो आइडिया भाई इसकी गन कैसे काम करती है, बट यहाँ पर मेरी वजह से ट्रैफिक बहुत तगड़ा लग गया। गाड़ी निकालते हैं पहले यहाँ से। बात कर लिया यार, मेरे को भी थोड़ी सी टेस्टिंग करवा दे यार। अबे रुक जा यार, पहले मेरे को तो समझने दे क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। ओके, ये पीछे की टेल लाइट्स, वेट व्हाट? अरे वाह, हेडलाइट कैसी है? हेडलाइट तो नॉर्मल सी है, बट जो टेल लाइट है वो कितनी ब्यूटीफुल है भाई। सीरियसली भाई, लाइट्स देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अरे वाह नाइस। गन पता नहीं इसकी क्यों नहीं, अबे गन कहाँ टूट के गिर गई? ओह अभी चली, अभी गन चली भाई एक सेकेंड के लिए। ओह चला नहीं आ गई, लेकिन गन कहाँ गई? वो अंदर चली गई क्या? शायद अंदर चली गई है गाइस वो गन। उसे हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ सीन है। वो चलने लग गई, चलने लग गई भाई। क्या तबाही चल रही है, ये गन पावरफुल भी है कितनी ये। ओ तेरी कितनी पावरफुल गन है ये भाई। सारी गाड़ियाँ उड़ा दी मैंने यहाँ पर, तुम लोग देखो कितनी जल्दी कोई सी भी गाड़ी ब्लास्ट हो रही है। तीन गाड़ी यहाँ पर लाइन से ब्लास्ट कर दी, एक और गाड़ी है यहाँ पर। एक गाड़ी को ब्लास्ट करने में एटलीस्ट 3 सेकेंड लग रहे हैं, 3 से 4 सेकेंड, जो कि आई गेस ठीक है। देखो अब ये ट्रक है, ये देखो यहाँ पर मैंने फायरिंग शुरू कर दी। एंड यहाँ पर ओ ये तो 2 सेकंड में ही ब्लास्ट हो गया। ठीक है यार, ठीक है समझ गया, चलो बहुत ही बढ़िया मशीन गन है इसकी, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। बूस्टर भी ठीक ठाक है। गाड़ी का लुक्स तो भाई पूछो ही मत, कुछ अलग ही लेवल के लुक्स है। ये गाड़ी कम कोई ऐसा मॉन्स्टर ज़्यादा लग रहा है भाई, देखो तो सही। मोटे भाई उड़ गए भाई, लिटरली में गाड़ी कम मॉन्स्टर ज़्यादा लग रही है ये। रात को चलाओ कोई भी बंदा कहेगा ही नहीं ये गाड़ी है, कोई कहेगा मॉन्स्टर आ गया है। जो स्पीड है, जो पावर है, जो इसके अंदर गन है, अब देखो मैं किसी को टक्कर मारूं वो बंदा उड़ जाएगा भाई पूरा। ये देखो कितनी पावरफुल ये गाड़ी है, तुम लोग खुद देखो भाई, बंदे उड़ रहे हैं, ट्रक तलक उड़ा सकता हूँ मैं। रुक जाओ, ट्रक को हिट करते हैं साइड से एंड देखते हैं कितना इम्पैक्ट रहता है मेरी गाड़ी का। लेट्स हिट दिस। ये देखो भाई पूरा ट्रक उड़ा दिया, पावरफुल तो है भाई गाड़ी। एंड एक और बार ये हिट, पूरा ट्रक पलट दिया भाई एंड ब्लास्ट भी कर देता हूँ। रुक जाओ लोग, पावरफुल तो है ये गाड़ी, ये तो मानना पड़ेगा तुम लोगों को। खैर जो भी हो, तुम लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी गाइस कमेंट में जाकर बताओ। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। भाई क्या तबाही मचा रही है ये।